हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज आपके साथ ये वाला ब्यूटीफुल सा पार्टी वेडिंग मेकअप लुक आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, जिसको मैंने पिंक एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में क्रिएट किया है। सो बहुत ही प्यारा मेकअप लुक है, बहुत ही ईजी है, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगा। ज्वेलरी की जो डिटेल है, जो मैंने नेकलेस वेयर किया है, वो मीशो से, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में कोड डाल दूँगी। वैसे अलग से वीडियो, हॉल वीडियो आने वाली है ज्वेलरी की, तो मैं आपके साथ उसमें भी शेयर करूँगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किया है। ठीक है, ठीक। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टोनर लगा लिया है, ये है अल्प गुडनेस का कुकम्बर टोनर। तो टोनर आपको ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है आपकी स्किन के लिए, एंड आपको मेकअप स्टेप्स में इसको ज़रूर, इसको स्किन केयर में भी और मेकअप से पहले भी इसको लगाना है। उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाई है। सनस्क्रीन आपको स्किप नहीं करनी है, सर्दियों में भी लगानी चाहिए, लेकिन गर्मियों में तो ज़रूर लगानी चाहिए। ये मैंने न्यूट्रीजेना की सनस्क्रीन अप्लाई की है। ये मेरी आईज़ में चली गई गाइस, लिटरली मेरी आईज़ में आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा लिटरली मैं रो पड़ी, इतने ज़्यादा बुरी तरीके से मेरी आईज़ पे चली गई ये। मैंने बहुत वॉश किया अपने फेस पे, उसके बाद भी ये थोड़ी सी लग रही थी, इरीटेट कर रही थी स्किन आईज़ को। सो जैसे कैसे, मेरा तो पहले मन था कि मैं बीच में छोड़ दूँ ये वाला, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं वीडियो आगे कंटिन्यू। तो मैंने प्राइमर ऑयल लगाया है स्टे कुर्की का, और ये एज अ फेशियल ऑयल भी काम करता है एंड प्राइमर का भी काम करता है। उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगाया है लैक्मे का। सो लैक्मे का है फाउंडेशन, आपको शेड नेम सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इसको डॉट डॉट करके। इसकी बहुत ही ज़्यादा मीडियम, लो टू मीडियम कवरेज है, आप इसको बिल्डअप कर सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ही अमाउंट लेके लगाया है। बाकी मैंने इस कंसीलर से कर लूँगी अपना जो भी डार्कनेस उसको हाइड। मैंने इनसाइड का कंसीलर बहुत ही गाइस अच्छा कंसीलर है, हाई कवरेज कंसीलर है जिसका बोल सकते हो, इनसाइड का जस्ट 99 में आता है। मैंने आपकी अपनी मेकअप किट में आपके साथ शेयर किया था, जो मैंने अंडर 100 रुपीज़ बनाई थी, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया इनसाइड का कंसीलर है ये, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर मैंने एक हाईलाइटिंग कंसीलर भी ऐसा लगा लिया, स्विस ब्यूटी का कंसीलर, ठीक है। उसके बाद मैं बेकिंग करूँगी अपने फेस पे, हल्की हल्की मैं आईज़ के अराउंड करूँगी बेकिंग, आईज़ के नीचे, बाकी तो पूरे फेस को मैं ऐसे ही सेट कर लूँगी, ठीक है, ब्रश की हेल्प से, पाउडर लेके। ये ब्लू हेवन का पाउडर है, लूज पाउडर है, ठीक है। बाकी जो भी मेरे शेड नेम होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर लेना, ओके। सो पूरे फेस को ऐसे मैंने सेट कर लिया। बेकिंग को मैं 20-30 सेकंड के लिए छोड़ूंगी, उतनी देर आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने कि पीच शेड लिया है, उसको मैं अपनी क्रीज लाइन में बफ करूँगी, उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। आपको एक ट्रांजेक्शन शेड बनाना है अपना, ठीक है। आप पीच शेड ले लो, बहुत सिंपल है, अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा तो पीच शेड लगा लो अपनी जो भी होती है हमारी क्या क्रीज लाइन, उसके थोड़ा सा ऊपर जाके उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं आता है तो आप ग्लिटर लगा सकते हो, जो जिस कलर की आपने ड्रेस पहनी है, और जहाँ सिल्वर या गोल्डन ग्लिटर आपके आउटफिट में कलर होता ही है गाइज, नॉर्मली जो भी हमारे पार्टी आउटफिट्स होते हैं तो वो आप लगा सकते हो अगर आप कुछ नहीं ज़्यादा आता है तो, ठीक है। उसके बाद मैंने पिंक शेड, डार्क पिंक शेड अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग मेरे मन में था पिंक एंड ग्रीन, एंड मैंने पिंक आउटर वी पे लगा लिया, एंड ग्रीन जो शिमरी शेड है, पिंक वाला मैट है, ग्रीन वाला जो शिमरी शेड है उसको मैंने अपनी आउटर सॉरी इनर अपनी जो लिड बजती है हाफ आईलेट पे, उसको मैंने ग्रीन को शिमरी शेड को लगा लिया। आप चाहे तो ग्रीन के ऊपर ग्लिटर भी लगाओगे, बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन मेरे पास ग्रीन ग्लिटर नहीं था तो दैट्स व्हाई मैंने नहीं लगाया, ठीक है। MN का ये लाइनर है, काफ़ी अच्छा लाइनर है, मैंने इसकी कंपैरिजन वीडियो भी की थी एंड मुझे काफ़ी पसंद है। मैंने फर्स्ट लाइनर आई थिंक मेरा यही था, बहुत प्यारा लाइनर है एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से ये स्टे करता है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, ठीक है। इसको मैंने एक विंग लाइनर बना लिया। काजल ये है, ब्लू हेवन का काजल है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा काजल है, उसके बाद अफोर्डेबल भी है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ग्रीन शेड लिया है, सेम नहीं ग्रीन शेड मैट वाला लिया है, शिमरी वाला नहीं लिया है, उसको मैंने अपने काजल के साथ स्मज किया है, ठीक है, आप एक पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से। तो मेरे को था कि ब्लैक काजल के साथ पिंक अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगा, मुझे लगा ग्रीन ज़्यादा अच्छा, ग्रीन को मैंने स्मोक आउट किया, काफ़ी अच्छा लुक आया था और थोड़ा स्मोकी सा इफेक्ट आ जाता है अगर आप लोअर लैश लाइन पर स्मोक आउट कर लेते हो कोई कलर। आप चाहे तो ब्लैक कलर के साथ भी स्मोक आउट कर सकती हो, डार्क ब्राउन शेड के साथ स्मोक आउट कर सकती हो, इट्स टोटली अप टू यू गाइस, ठीक है। फेस को थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और उसके बाद लगाएंगे ब्लश, और हल्का हल्का लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना,
और एक बार में कम प्रोडक्ट लें, बाकी अगर आपको लगे ज़रूर तो आप और ज़्यादा बिल्डअप कर सकते हैं। ओके, और स्माइल करके आपको लगाना है, थोड़ा सा नोज़ पे, थोड़ा सा चिन पे, एक नेचुरल लुक के लिए। उसके बाद मैं लगाऊंगी हाइलाइटर, ठीक है। अभी हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जस्ट आईलैशेस बाकी हैं, मैंने ग्लू लगा के रखा हुआ है। इसके बाद मैं लगा लूँगी आईलैशेस एंड बाकी और इनर कॉर्नर्स को और ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करूँगी। ब्राउ बोन को हाईलाइट करते वक्त मुझे याद है कि मैंने आईब्रोज़ को फिल ही नहीं किया, सो मैं लैशेस लगाने के बाद आईब्रोज़ को फिल करूँगी। यहाँ पर मैंने लैशेस लगा लिए, कैलालिस की लैशेस है, थर्ड पेयर इसमें मैंने लगाया है। बहुत लोग पूछते हैं कि आप आईलैशेस कौन सी यूज़ करते हो, तो मैंने ये वाली, एक ये वाली है, दूसरा मेरे पास कैलालिस का ही सेम सेट है 10 पेयर का, या तो मैं वो उसमें से यूज़ करती हूँ या मैं इनमें से यूज़ करती हूँ। एंड ये वाला जो पेयर है मेरा फेवरेट है, ठीक है। आईब्रोज़ को फिल कर लिया है, उसके बाद मैं मेकअप को सेट कर लूँगी। जो भी पाउडरीनेस है वो हट जाएगी, मेल्ट हो जाएगा हमारा मेकअप, एक मर्ज हो जाएगा, अच्छे से एक लुक आ जाएगा, ठीक है। बेस हमारा अच्छा लगेगा, पाउडरी नहीं लगेगा। उसके बाद लिपस्टिक, मेरे मन में था कि मुझे डार्क पिंक नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा आई मेकअप है बहुत ज़्यादा लाउड हो गया है। एंड मैंने इस एक में रेड शेड में एक रस्टी न्यूड शेड को मिक्स करके लगाया, एंड ये मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि उसके ऊपर मैंने एक पिंक, लाइट पिंक शेड लगा लिया, एंड थोड़ा सा ये न्यूड पिंक, मुझे न्यूड पिंक शेड एक्चुअली चाहिए था, वो मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने मिक्स किया दोनों को। एंड वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ऑरेंजिश ही लग रहा था, पीची शेड, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट पिंक शेड उसके ऊपर लगा लिया, तो अच्छा एक न्यूड पिंक शेड आ गया था, ठीक है। उसके बाद जो ज्वेलरी है वो है मीशो की, आपको मैं कोड डाल दूँगी इसके डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के, अगर आपको चाहिए। वैसे अलग से हॉल वीडियो भी आएगी, बहुत ही प्यारा जोकर सेट है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, मैं आपके साथ अलग से वीडियो शेयर करूँगी। सो दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक गाइस। बालों के मैंने खुला छोड़ा, आप चाहे तो कोई हेयर स्टाइल भी बना सकते हो, मुझे हेयर स्टाइल की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, दो वीडियो बनाई है, एक बन 5 हेयर स्टाइल बन वाले एंड 5 हेयर स्टाइल खुले बालों के हेयर स्टाइल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया। मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी उन वीडियोज़ की, आप चाहे तो देख लेना। सो दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक गाइज, आप तो आपको कैसा लगा, या आप किसी भी पार्टी वेडिंग में कर सकते हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फेस्टिवल, आप उस लुक को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपकी पिंक एंड ग्रीन आउटफिट है सो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है आपको, एंड बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने इसको रखा है, बहुत इजीली आप किसको क्रिएट कर पाओगे। सो या गाइज, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सी।